सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होता है, ठीक है, वो भी क्लास टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए हम बात करेंगे कि आपको यार पास होना है तो कितने नंबर की आवश्यकता होगी, ठीक है। सबसे पहले हम ट्वेल्थ वालों के बारे में बात करेंगे, इसके बाद टेंथ के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले ट्वेल्थ का जो सब्जेक्ट होता है साइंस साइड का, उसमें गणित होता है, जीव विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। ये तो हो गया साइंस साइड वालों के लिए, और आर्ट वाले के भी बारे में इसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्वेल्थ वालों के लिए हिंदी, हिंदी जो होता है प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का होता है, और उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 33 मार्क्स लाना है, ठीक है, 33 मार्क आपको लाना ही लाना है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका 100 मार्क्स का होता है, और उसमें आपको 33 मार्क्स पास होने के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। इससे कम आप लाते हो तो आप फेल हो जाओगे, तो आपको यहाँ इतना तक तो प्रयास करना है। इसके बाद रसायन विज्ञान की बात कर ले, तो रसायन विज्ञान में आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिलता है, ठीक है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिल जाते हैं, और इसके साथ यार गाइस रसायन विज्ञान में आपका 30 प्रैक्टिकल मिल जाता है, और इसमें आपको 23 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। 70 मार्क्स का आपको ये प्रश्न पत्र जो होता है 70 मार्क्स का होता है, इसमें आपको 23 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रश्न पत्र आपको 70 मार्क्स का आएगा। और भौतिक विज्ञान 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में देना है, वो जितना स्कूल वाले की मर्जी जितना दे दें, ये पूर्णांक होता है इसका 70, ठीक है, और इसमें आपको 23 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। जीव विज्ञान 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, और 70 का ये पूर्णांक होता है, और 23 नंबर आपको लाना है। गणित की बात कर ले तो गणित 100 में होता है, ठीक है, और इसमें पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स की ज़रूरत होती है, यानी आपको 33 मार्क्स इसमें लाना पड़ेगा। आप टेंथ वालों की बात कर लेते हैं, तो यार देखो टेंथ वाले हिंदी 23 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए, ठीक है, और 30 नंबर इसमें प्रैक्टिकल आपको मिलता है टेंथ में, और पूर्णांक पूरा कितना बन जाता है 100 नंबर का, ठीक है, 30 नंबर प्रैक्टिकल को लेकर 100 नंबर का पूर्णांक बनता है। और विज्ञान में आपको 23 नंबर लाना है, सामाजिक विज्ञान में भी 23 नंबर लाना है, ठीक है, और आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स मिलेंगे। गणित गृह विज्ञान में भी आपको 23 लाना है, क्योंकि स्कूल से आपको मिल जाते हैं 30 नंबर। इसके बाद कला संस्कृत में भी आपको 30 नंबर स्कूल से मिलता है, अंग्रेजी में भी 30 नंबर मिलता है। टोटल जो पूर्णांक होता है वो 100 होता है, ठीक है, 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाता है, 30-30 नंबर सब सब्जेक्ट में, और इसके अलावा आपको 23 नंबर पास होने के लिए सब सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, तभी आप टेंथ में पास हो पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।